तो ये देखिए यहाँ हम मोनालिसा हमें पहुँच गए अंदर, और यहाँ मम्मी के लिए सूट हम देख रहे हैं, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। कुछ बहुत ज़्यादा मतलब ये एक्सपेंसिव थे, 3-4 हज़ार से ऊपर ही थे, और मतलब क्वालिटी मुझे कुछ अच्छी उतनी लग नहीं रही थी, और इन कलर भी उतना अच्छा नहीं लग रहा था। और ये देखिए शिवानी अपना ही यहाँ पे फ़ोटो खींच रही है, और फिर मैं यहाँ देख रही थी बट मुझे पसंद नहीं आया तो हम वापस चले गए। और हमने सोचा कि अब हम कहाँ जाएंगे, तो फिर फाइनली हम वहाँ से बाहर निकले। तो ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, इन्होंने एक बार लिया था विपन भैया की शादी के लिए, वो एक ड्रेस 14,500 की, तो मतलब वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये कलर बहुत अट्रैक्टिव था, मतलब ऑरेंज कलर मुझे लग रहा है इन पर बहुत अच्छा लगता। यही मैं शिवानी को बोल रही हूँ कि ये कलर कितना सही था, और था ऐसे चलते कदम। कहाँ जा रहे हैं? हमें कुछ पसंद नहीं आया तो अब हम जा रहे हैं दूसरी शॉप पे। मेरी मासी की बेटी और मसैया आए हुए हैं, मैंने सोचा था उनके पास भेज दूँगी साइड होगी। मम्मी ये नहीं आती है वीडियो में। मम्मी ने बोला था सूट भेजना अरुण को, तो अरुण ने मुझे बोला आप प्लीज ये लाइट इग्नोर करना, तू जाके चूज कर ले। तो हमें वहाँ मिला नहीं मोनालिसा में, बहुत ज़्यादा महंगे थे, 5-5 हज़ार के ड्रेस थे, 20% ऑफ, और मतलब उतनी अच्छी कुछ मुझे लगे नहीं, इतना महंगा तो मेरी मम्मा पहनेंगे ही नहीं। ये देखो दो तो फाइनली हम जानीपुर में शॉप पे पहुंच गए। ये है महाजन स्टोर, और मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ, और ये देखिए गाइस मेरे को इतना सर कि मैंने बालों को चंपी करी हुई थी, और मैं ऐसे ही चली गई थी उठ के, तो यहाँ कुछ पसंद नहीं आया कुछ खास, और इनने कपड़े तो दिखाए लेकिन नहीं आया, तो फिर हम उसके बाद दूसरी दुकान पर चले गए। ज़्यादा मुश्किल से हमें एक सूट मिला, वो भी हमने मजबूरी में ही लिया, वो भी मजबूरी में इसलिए लिया क्योंकि रात भी हो गई थी, और दुकान वाले अंकल ही बोलते रहने दो अगर आपको नहीं पसंद आ रहा, फिर मैंने बोला कि ले ही दो, फिर एक मिला ऐसे तो ले भी लिया, मम्मी को पसंद आना चाहिए। तो अभी लाइट आ रही है हम पीछे, अभी हम पैदल जा रहे हैं, तब हम मजबूर में आए थे, अभी हम चलते यार, रुक जा यार, वो रोड क्रॉस करते हैं मेट्रो मिलेगी उस साइड से मिलेगी, इधर क्या करें। हम आधे रास्ते में पहुंचे हैं और हमें यहाँ से जाके अभी खाना भी बनाना है, यहाँ से जाके अभी खाना भी बनाना है, अब क्या गाड़ी में जाना है यार। ये पहुंच गए हम, वैसे भी वॉक ज़रूरी होता है, खाना तो हमने तो कुछ नहीं खाना, तुझे खाने की मन कर रहा है खाना है, तो मुझे भी आई है खाना है, दोस्ती नहीं है हम बहने हैं छोड़ेंगे। यहाँ से गाड़ियाँ चल रही है और हम तीन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं एक साथ, हम किसी को नहीं मार, गाड़ी वाले हॉर्न मार रहे हैं, हम किसी को नहीं, ये हमारी हमारी रोड है, तो मत जाओगे गाड़ी के नीचे किसी को मारने रहे, मुझे साइड मुझे साइड से बताऊँ ये बर्फ ये फेंकेगी कहाँ डस्टबिन में,
चलो फिर सोच, अभी लाइट चली गई, दुकानें बंद कर दी लोगों ने, मैं खिलाएंगी आइसक्रीम। चलो केसर बादाम, कौन सा केसर बादाम, कोई मुझे अभी नहीं से 20 वाला लाएंगे। हाँ 20 वाला, उसका प्रिंट कम कर दिया, 20 कर दिया, ये पहले वाला था ना, पहले वाले को निकाल के फिर 20 वाला लाए। चलो तो गाइस देखिए, उस शॉप से हमने फाइनली ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया था, जो मैंने आपको दिखाया नहीं था वहाँ पे, क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए, पता नहीं मम्मी को पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन अपनी ओर से मैंने अच्छा ही लिया है। ये आया जी कुर्ती और सलवार, ये वाली आई सलवार सेम है, और ये आई चुन्नी। चुन्नी मुझे बड़ी अच्छी लगी, इसकी फुलकारी जैसी है, कुछ लटकन जैसे। तो ये देखिए कैसा लगा, आप बताइए मेरे को कैसा ड्रेस है। ऐसा कलर मम्मी के पास था नहीं, इसलिए मैंने ये कलर लिया। तो गाइस बस आज का व्लॉग कुछ ऐसा था कि हम बाहर निकले, मैंने सोचा बना दूँ, क्योंकि अंदर वाले ब्लॉग तो आप देखते हो नहीं और लेस इंटरेस्टेड हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज फिर से मैं जा रही हूँ तो मैं बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो गाइस कैसा लगा ये कमेंट में मुझे बताना, और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का यहीं एंड करती हूँ। कीप लविंग एंड सपोर्टिंग मी, ओके बाय बाय, थैंक यू, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके बाय बाय।